गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा पर व्यंग कसते हुए उन्हें महान वैज्ञानिक और ज्योतिषाचार कहा। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ के ट्वीट पर भी चुटकी ली और कहा, हमेशा खत ही लिखते रहेंगे, चुनाव परिणाम के बाद से गायब ही हो गए हैं। नरोत्तम ने लव जिहाद कानून में और भी कड़े प्रावधान जोड़ने की बात कही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आज बहुसंख्यक हिंदू समाज के धैर्य, संयम और सहिष्णुता का दिन है। न्यायालय का सम्मान करते हुए राम मंदिर निर्माण संभव हो पाया। सभी के धैर्य और पीएम मोदी के शिलान्यास को नमन है। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा और कमलनाथ पर एक बार फिर निशाना साधा। दिग्विजय और तनखा के ज्ञान को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे महान वैज्ञानिक और ज्योतिषाचार्य हैं, उनको वैक्सीन के बारे में सब पता है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय के ज्ञान को नमन है, इन्होंने अयोध्या राम मंदिर निर्माण में भी अपना ज्ञान दिया था। कमलनाथ को लेकर उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस चुनाव हारी है, कमलनाथ गायब ही हो गए हैं, सिर्फ ट्वीट कर देते हैं। कभी अपने कार्यों की उपलब्धि को लेकर भी उन्हें ट्वीट करना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर कहा कि इसके कानूनों को कड़ा किया जाएगा, इसके प्रावधान अभी तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा, 10 साल की सजा के साथ देखा जाएगा क्या लव जिहाद कराने वाले से कंपनसेशन दिया जा सकता है, जैसे तलाक के बाद होता है। इसके साथ ही पादरी, मौलवी और गुरु जिन्होंने विवाह कराया है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। महान वैज्ञानिक आयुर्वेदाचार्य दिग्विजय सिंह जी और विवेक तनखा जी वैक्सीन के बारे में अच्छा जानते होंगे, इसलिए सवाल उठाए। उन्होंने राम जन्मभूमि का शिलान्यास का मुहूर्त सही है कि नहीं है, वो महान ज्योतिषाचार्य भी हैं, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। सर्जिकल स्ट्राइक सही है कि नहीं है, सेना पर सवाल उठाने का, आतंकवादी बटाला वो कौन सा हाउस था उस पर सवाल उठाने का, तो महान वैज्ञानिक, महान वेदाचार्य, महान वेदांताचार्य यति आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज बहुसंख्यक हिंदू समाज के धैर्य, शौर्य और सहिष्णुता का ये दिन है। आज उनके धैर्य, संयम और सहिष्णुता के कारण ही राम मंदिर का निर्माण न्यायालय का सम्मान करते हुए प्रारंभ हो पाया है। उन सबके उस धैर्य, संयम, सहिष्णुता को नमन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास को नमन है। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। कृपा करो मध्य प्रदेश तो आओ, कहाँ चले गए हो आप, कभी संवाद सीधा भी करो, ट्वीट करते हो और सो जाते हो, रोज यही कर रहे हो आप, रोज खत लिख रहे हो। ऐसा खत भी लिखो जो काम आपने कर दिया हो, एक हाथ एक पत्र ऐसा जारी करो माननीय, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, जिस कार्य को आपने पूर्ण किया हो उस कार्य का भी एक ट्वीट करो या पत्र लिखो। बहुत जल्दी लव जिहाद का कानून कैबिनेट के अंदर आने वाला है और कैबिनेट के बाद में वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो 28, 29, 30 को सत्र है, उस सत्र के अंदर मध्य प्रदेश विधानसभा में हम लेके आने वाले हैं। हमने इसमें कई प्रावधान जोड़े हैं जो बाकी के स्टेटों से भी इतर होंगे। 10 साल की सजा का आपके ध्यान में है ही, इसमें हम वो भी जोड़ने वाले हैं जो संपत्ति कुर्के वाली बात रहती है, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं अभी के, जिस तरह से तलाक हो जाने के बाद में गुजारा भत्ता देना होता है, तो वैसा गुजारा भत्ता इस परित्यक्ता को मिल सकता है क्या? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।